यहाँ का नजारा देखो खतरनाक, चारों तरफ पानी ही पानी। पैसा वसूल एकदम। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, होटल से अपना निकल चुका हूँ और बैग मैंने होटल्स के अंदर ही रख दिए थे और आज गर्मी बहुत ज्यादा है। अभी मैं जा रहा हूँ यूना बीच क्लब के डिपार्टमेंट में, वो वहाँ से मेरे को फेरी में लेके जाएंगे, जो फ्लोटिंग फ्लोटिंग बोट है उसके ऊपर। जो मैंने बुकिंग करवाई है 6000 बात की, उसके अंदर कुछ पैसे वो रखेंगे और बाकी मैं कवर चार्ज, मतलब कि मैं बाकी कुछ ना कुछ वहाँ पे ले सकता हूँ, जैसे कि ड्रिंक्स हो गया, फूड हो गया, ये सारी चीजें। तो चलते हैं, जैसे जैसे मेरे को चीजें समझ आएगी आपको मैं बता रहूँगा। तो लेट्स गो गाइस। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, मैं अपने स्लीपर्स आना भूल गया हूँ, मैं शूज डाल के आया हूँ। हम मरते गोरे रंग के लिए और गोरे मरते हमारे रंग के लिए। देखो टैनिंग के लिए बैठा हुआ बंदा। तो आज का मैं अपना आउटफिट दिखाना आपको भूल गया। एक शर्ट पहनी है मैंने, ये जो मेरे को दी थी बैड बॉय ने, जो मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है, मेरा सब कुछ है भाई। उसने मुझे गिफ्ट भी दिया था एक ब्लैक कलर का बैग, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर तक। सबसे पहले लेंगे स्लीपर्स, तो वो ले लेते हैं। तो आप ये ज्वेलरी देख रहे हो, आप सोचो कि मैंने यहाँ से ली होगी एक ये और एक ये वाली। देखो बट ये जसप्रीत ने मेरे को बना के दिया है, सिंगल चेन के अंदर ये लगा दिए इसने, तो ये छोटे छोटे चाम्प लगा दिए उसने। ये पसंद आई है, 300 बात की है, मेरे आउटफिट से थोड़ी मैच भी हो जाएगी। ये मैंने स्लीपर अपने लिए सेलेक्ट करी है जो मेरे को पड़ी है 300 बात की, काफ़ी सही है, कलर भी मैच हो गया मेरे आउटफिट के साथ। गाइस वो रहा जहाँ हमने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, आज काफ़ी दूर है। ये देखो ये इस ब्रिज के पीछे। गाइस ये वो बैग था जो मेरे को गिफ्ट मिला बर्थडे पे साहिब की तरफ से, थैंक यू सो मच। अभी काफ़ी हैवी हो रखा है, एक हाथ से उठाए जा रहा हूँ। यूना बीच के लिए मुझे यहाँ से पैदल चल के जाना है वहाँ तक, वहाँ जाके देखते हैं क्या है, क्योंकि मेरा ही फर्स्ट टाइम, मुझे भी कुछ नहीं पता। और देखिए पानी, यहाँ की टाइमिंग है 12 बजे से लेके आपको 8 बजे तक मिलेगा, रात के 8 बजे तक आप आराम से यहाँ पे चिल करो, बैठो, टेबल भी बुक करवा सकते हो, वो उसके प्राइस अलग थे, बट वो उनके लिए बेस्ट है जो 4-5 बंदों के साथ ग्रुप आ रहे हैं। क्योंकि गाइस इनका वेटिंग एरिया है और यहाँ पर हमें शायद वेलकम ड्रिंक से मिलेगी। यहाँ पे हमें वेट करना है, फेरी आएगी, फेरी हमें मेन बोट पे लेके जाएगी जहाँ पे यूना बीच पूरा क्लब बना हुआ है। ये एक कार्ड है जिसके अंदर मेरे 3000 रुपए है, 3000 बाट, जिसका मैं अंदर कुछ भी खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पर अपनी फेरी आ चुकी है, इसके अंदर बैठ के हम चलेंगे। और ये इन्होंने करी है मेरी वेलकम ड्रिंक जो कि मुझे यहाँ पर पीनी है बैठ के, फिर मैं आराम से जाऊंगा। ये भी क्या कर रहे हैं लोग, आ रहे जितने लोग एक बार इकट्ठे हो जाएंगे फिर इसके अंदर आराम से जाएंगे भर के। देख रहे हो गाइस कितना 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 क्रेजी सीन है भाई, कितना क्रेजी सीन है भाई। बट जिसने भी ये जगह यहाँ पे बनाई है ना, बिल्कुल सही करा है, बिल्कुल वर्थेड है। आप लोग भी आओ, अगर बैंकॉक आते हो या फुकेट आते हो तो फुकेट में एक बार ये यूना बीच क्लब एक बार ट्राई करो आके। यहाँ पे यहाँ की जो वाइब है नेक्स्ट लेवल। बहुत लोगों को लग रहा होगा बहुत कॉस्टली है ऐसे वैसे, बट इसके अंदर आप रेट देख सकते हो हर चीज़ के, स्क्रीन शॉट मार के। उसका भी बर्थडे है 1 फरवरी को, उसका भी बर्थडे आता है, मेरा भी बर्थडे आता है। अभी मैं भी अपने लिए केक मंगवाऊंगा, फिर इसे लगेगा हाँ वही इसका भी बर्थडे है।
गाइस जो मैंने पिज्जा मंगवाया है एवरेज पिज्जा है, अगर इसको 10 में से नंबर देने होंगे तो मैं दूंगा 10 में से 5। मतलब इन्होंने इसके अंदर अखरोट भी डाला हुआ है यार। अखरोट का क्या मतलब होता है डालना, अखरोट क्यों डाला है समझ नहीं आ रहा, बट केचप के साथ थोड़ा ओके आप खा सकते हो। जैसे धूप कम हुई सारे उठ के रेस्टोरेंट से वहाँ पूल साइड चले गए। बस 5-10 मिनट मैं भी जा रहा हूँ, कपड़े चेंज करके आता हूँ। गाइस कुछ 2500 रुपए का बिल आया, 500 रुपए पेंडिंग है। गाइस द बेस्ट थिंग इज आप यहाँ से ऊपर भी जा सकते हो, अगर आपने टेबल जैसी मर्जी ली है, स्टैंडिंग है, कुछ भी है। आओ आपको ऊपर का नज़ारा दिखाता हूँ। जिसने बनाई है ना खतरनाक चीज बनाई है, पैसा वसूल एकदम। देखो एक बारी वाइब चेक करो एक बारी वाइब। और गाइस यहाँ पर एक प्राइवेट पूल भी है ऊपर वाली साइड पे। गाइस मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ और यहाँ पर देखो ऊपर से क्या दिख रहा है, जेलीफिश। जेलीफिश इतनी ऊपर कहाँ से आने लगी। मैं ऊपर था वहाँ पे तो यहाँ का नजारा देखो खतरनाक, चारों तरफ पानी ही पानी, चारों तरफ पानी पानी, चारों तरफ पूरा कोहरा ही कोहरा। जैसी थोड़ी रात होगी तब का सीन तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, लाइट्स वगैरह जलेंगी, डांस वगैरह होएगा, जहाँ तक मैंने वीडियोस में देखा है। जिसने ये बनाया यहाँ तक केक भी रख लेता, किसी का बर्थडे होगा अपना बेटे का केक काट लेगा। अरे ये क्या दे रही है, मैं इसमें बर्थडे लिखा है, हैप्पी बर्थडे, मैं कैंडल है। सनसेट देखो कितना बढ़िया हो रहा है, सनसेट, ये सनसेट और साथ में ये पार्टी एंजॉय करो। देखो सिर्फ मेरा 8 बजे तक स्लॉट था, 8 बजे से लेके 1 बजे तक पार्टी यहाँ पे चलेगी। तो अपने कपड़े चेंज करूंगा, यहाँ से निकलूंगा और अपने होटल की तरफ जाऊंगा, होटल भी चेंज करना है आज मैंने। ये पड़े मेरे कपड़े, अपने कपड़े डाल के यहाँ से निकलते हैं, फिर आपको मिलता हूँ, ठीक है बाय। तो गाइस ये वो कैफे है, अभी अंदर चलते हैं। बड़ी मस्त चीज है भाई, काफी सारी लड़कियां अपने हस्बैंड के साथ आई है, हस्बैंड उनके फोन पीछे ले लेके कैमरे से वीडियो बनाई जा रही है उनकी। ये सब गाइस रियल है, ये देखो, और ये भी रियल है, मरे हुए।